नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो मेरे भारतवासी मित्रों के लिए है। भारत के लोग कमाल के होते हैं, भारत के लोग बेमिसाल होते हैं। पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का संकट लहरा रहा है, लाशों पर लाशों के ढेर लग रहे हैं। महाशक्तियां एक बड़े कब्रिस्तान में तब्दील होती दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद इतनी बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश काफी हद तक सुरक्षित है। यहां जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है। इसको तो मैं ईश्वर की कृपा और हमारे देश के नेताओं की बेहतरीन प्लानिंग ही समझूंगा, हमारे देश के ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग समझूंगा, कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर्स, पुलिस वालों का सहयोग, उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करूंगा। देखिए, थोड़ा सा बताते हैं, भारत जो है वो इतिहास उठाकर देख लो, भारत ने कभी किसी देश पर हमला करके, उस पर कब्जा करके उसका सैकड़ों हजारों साल शोषण नहीं किया, जैसे अन्य मुल्कों ने किया, कभी नहीं किया, बल्कि अतिथियों का स्वागत ही किया और उसके बदले में बड़े धोखे खाए, उनका सत्कार करके, उन पर विश्वास करके बड़े धोखे खाए भारतीय लोगों ने। लेकिन भारतीय लोगों ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला करके उनके राजपाट को हड़प कर और वहाँ पर सामूहिक हत्याएं, ऐसे कुकृत्य कभी नहीं किए आज तक। मुझे तो ऐसा लगता है शायद उनकी वजह से ही, ईश्वर की कृपा से हम लोग बहुत हद तक सुरक्षित हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा मेरा दिल बोलता है। भारत के लोग कमाल के लोग होते हैं, इनकी सहन शक्ति गजब की होती है। जब विपत्ति आ जाती है तो ये सब एकजुट कर उस मुश्किल का सामना करते हैं, ऊंच नीच जात पात धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर जो इन भेदभाव में डूबे रहते हैं वो सचमुच बड़े छोटे होते हैं और खुद की ही मौत को निमंत्रण दे देते हैं। तो हम सब भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। हमने इस दुनिया में कहीं और कभी अत्याचार नहीं किए, कोई देखे या न देखे ईश्वर तो देख रहा है, तो ये सब उसी की कृपा और उसी की रहमत है। तो आप भारतीय हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, आप सम्मान के पात्र हैं, आपके अंदर बेमिसाल सहन शक्ति है, बहुत सारी ताकत है। एकजुट हो जाइए इस मुसीबत से निपटने के लिए, ईश्वर बड़ा रहम दिल है। अगर हमने कुछ बुरे कर्म नहीं किए तो हमें वो उसकी सजाएं भी नहीं देगा, और अनजाने में हमसे जो भूले हो गई हों प्रकृति के प्रति, वो हमें माफ़ कर देगा। और हमें अब इस घटना से ये सबक सीखना चाहिए कि हमें प्रकृति का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, प्रदूषण मुक्त रखने में हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए, बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, उन छोटे लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमारे मुल्क को मजबूत बना रहे हैं, सफाई कर्मचारी, गरीब मजदूर, पुलिस वाले जो हमारी रक्षा करते हैं, वो जो डॉक्टर्स हमारी जान बचा रहे हैं अपनी जान को खतरे में डालकर। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस विपत्ति के समय में एकजुट होकर पूरे देश को एक सुरक्षा कवच जैसा प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा हो कि हम सब जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्त हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा वीडियोस देखते हैं, अपना कीमती समय देकर। अच्छे लगते हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, थम्स अप का बटन दबाकर। धन्यवाद दोस्तों। मन और ध्यान आपकी हर समस्या का समाधान। हमारी हर समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन है, और इस समस्या का एकमात्र प्रायोगिक और सत्य समाधान है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अभी सब कहां से सीखें, किससे सीखें, कौन सा कोर्स करें, ये सभी दुविधाएं रहती हैं। इसका एकमात्र सरल जवाब है डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव सर की लिखित ये बेहतरीन बहुमूल्य किताब मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए।